हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि एएचयू के अंदर जो हमारी मोटर की पुली और जो हमारे ब्लोअर की पुली होती है, अगर हमने इनकी अलाइनमेंट वगैरह चेक करनी है तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये डोरी है। अगर आपके पास हैवी टूल नहीं है तो आप इस डोरी की मदद से आप उनकी अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी शाफ्ट वगैरह टेढ़ी है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि अगर आपकी, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ब्लोअर बनाया है और ये मोटर बनाई है, अगर इनकी पुली, ये बेल्ट ड्राइव पुली होती है एएचयूज के अंदर ज्यादातर, अगर इनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आपको किन प्रॉब्लम्स का शिकार होगे। सबसे पहले इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, ये आपकी बेल्ट को बार बार डैमेज करेगी। सेकेंड नंबर पे आपके एएचयू का शोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ये आपके एएचयू के अंदर वाइब्रेशंस भी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर आपकी मोटर के ऊपर लोड की भी इसकी बढ़ सकती है कि आपका लोड भी बढ़ सकता है अगर आपकी पुली की अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास टूल वगैरह नहीं है तो आप किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेक करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये आपने, अगर आपने इस मोटर की पुली के ऊपर काम किया है या फिर आपने मोटर के ऊपर काम किया है तो आपकी ये जो पुली है ये अपनी जगह पे मौजूद है। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं भी किया लेकिन आपने पहले चेक करना है दोनों पुली जो आपस में, कि अगर उन पुलिस के ऊपर आपकी एक पुली लगता है कि वो थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई है, आगे चली गई है या पीछे हो गई है, या फिर आपको उसकी शाफ्ट टेढ़ी लगती है, आपने बजाहिर पहले उसका मुआयना करना है। फिर आपने जब ये पता चल जाता है कि आपके ये जो ब्लोअर है इसकी पुली आपकी अपनी जगह पे मौजूद है तो आपने फिर इस पुली की मदद से आप इसकी अलाइनमेंट को एक्यूरेट कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं ये मैंने आपके ब्लोअर की पुली, ये बड़ी पुली ब्लोअर की बनाई है, ये छोटी पुली आपकी ये मोटर की बनाई है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, आपने ये डोरी लेनी है जो बिल्कुल एक सॉफ्ट डोरी हो, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट जिसमें कोई चीज बल्ब वगैरह ना हो। आपने इस डोरी को लेना है, मिसाल के तौर पे ये आपकी पुली है। अब आपने इसको सेंटर से, यानी कि आपने इसको सेंटर से, अब इसको आपने डोरी को लेके जाना है इसके दूसरे पॉइंट पे, या देख रहे हैं इस पॉइंट पे लेके जाना है इसको। बिल्कुल आपकी पुली जितनी मर्जी बड़ी हो आपने इसको सेंटर पे रखना है डोरी को, ये आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे रखा हमने, इसको आपने दूसरे पॉइंट के साथ टच करना है, इस पॉइंट के साथ आपने पुली को टच करना है इस डोरी की मदद से। लेकिन टच किस तरीके से करना है कि आपका हाथ ना तो आपका पीछे जाए, यानी कि ये टेढ़ी ना हो, धागा आपका टेढ़ा ना हो, इस तरीके से ना हो, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट इसको एक सॉफ्ट टच दे, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपका एक बिल्कुल सॉफ्ट टच हो, ये आपका हाथ ना पीछे हो ना ये जो डोरी आपकी इस पॉइंट से आगे हो, ठीक है, इसके साथ मिलाएं। फिर आपने इसको आगे लेके जाना है, इसको डोरी को आपने इस, ये जो मोटर की पुली है इस पुली के पॉइंट पे लेके जाना है। जब आपकी पुली इस पॉइंट के साथ टकराएगी, अगर आपका ये पॉइंट छूटता है, ये पॉइंट अगर छूटता है तो इसके साथ, अगर इसके पॉइंट को टच करने के ऊपर ये पॉइंट आपकी डोरी आगे आ जाती है, इसमें गैप आ जाता है, तो ये जो पुली है फिर आपकी ये पुली इस पुली से आगे है, ये वाली पुली आपकी शाफ्ट से इस पुली से अलाइनमेंट नहीं है, आपकी पुली आगे है। फिर आपने इसको मजीद डोरी को आगे लेके जाना है इस पॉइंट के ऊपर। जब आपकी पुली, आप इस पुली को पीछे करेंगे तो आपका ये पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर ये पुली आगे है, अलाइनमेंट आपकी पुली की आगे है इस पुली की, अगर आपने यहां से शुरू किया इस पॉइंट को, इस पॉइंट के साथ टच किया, फिर आपने इसको लेके जाना है इस जगह पे, अगर ये पॉइंट को टच ही नहीं कर रहा, अगली पुली को ये धागा टच ही नहीं कर रहा और ना इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये फिर पुली आपकी पीछे है। आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है, इसकी सीट पे लेके जाना है, यानी कि आपका धागा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, ना के हाथ पीछे जाना चाहिए ना आगे, तो फिर आपकी ये वाली पुली आ गया है। फिर आपने इस पुली को आगे करना है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है,
कि अगर आपके 3 पॉइंट मिलते हैं, ये तो हो गया था 2-2 पॉइंट, अगर ये पॉइंट भी मिल रहा है, ये पॉइंट भी मिल रहा है, ये पॉइंट नहीं मिल रहा और ये पॉइंट मिल रहा है, तो फिर क्या हो सकता है? फिर आपकी ये पुली की जो आपकी शाफ्ट है वो भी थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, या फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आपकी अलाइनमेंट की मदद में। जब आपके तीनों चारों पॉइंट मिलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी अलाइनमेंट, अगर आपका ये पॉइंट मिस हो रहा है तो फिर ये आपकी पुली आगे है, अगर ये पुली का पॉइंट मिल रहा है और इसको टच ही नहीं कर रहा ये दोनों पॉइंट्स को, तो ये फिर पुली पीछे है। अगर आपकी अलाइनमेंट चेक करनी है तो फिर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, फिर आपका ये पॉइंट मिस करेगा। अगर आप ये भी पॉइंट मिल रहा है, ये भी पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट नहीं मिल रहा, ये पॉइंट मिल रहा है, तो फिर आपकी ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से आपकी पुली होती है स्टेट, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो चुकी है, यानी कि ये पुली आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह शाफ्ट टेढ़ी हो चुकी है या पुली टेढ़ी हो चुकी है, इस वजह से ये चारों पॉइंट उसके टच नहीं होते। तो अगर आप चाहेंगे मैं प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर वीडियो बना दूं तो वो भी मैं बता दूंगा, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है जिसकी वजह से बोर्ड के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, तो अगर तबीयत जल्दी ठीक हो तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस की तरफ लेके जाऊं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें।